नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब WhatsApp पर किसी को फ़ोटो या वीडियो भेजते हैं तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है और आपकी फ़ोटो जो है किसी के पास WhatsApp पर जाती है तो वो थोड़ा सा धुंधली या फटी जैसी लग रहती है, यानी कि ओवरऑल बात करें तो क्वालिटी उसकी डाउन हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप फुल HD क्वालिटी में जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसकी, उस तरीके से आप कैसे भेज सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो सारी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपने अभी तक मेरी चल रही वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ चल रही वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को भी आप हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आता है उसको ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। इससे ये होगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पर, आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप सभी लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। फिर इसके बाद आपको वीडियो को शेयर भी कर देना है WhatsApp पर, Facebook पर, Instagram, ShareChat, Snapchat, जो भी आप एप्लीकेशंस का यूज करते हैं वहाँ पर आपको शेयर कर देना है। फिर इसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करना है, कमेंट में लिखना है WhatsApp ट्रिक। यहाँ कमेंट बॉक्स में आपको WhatsApp ट्रिक जरूर लिखना है जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोग WhatsApp के लिए ये वीडियो देखे हैं। तो WhatsApp ट्रिक्स लिख देना है और कमेंट को सेंड कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है बैक। अब दोस्तों सिंपल सा करते क्या हैं, आप लोग WhatsApp ओपन करते हैं। WhatsApp जैसे ओपन किया तो आपने मान लीजिए इनको कोई भी फ़ोटो आपने भेजी, इनको यहाँ पर फ़ोटो मैं भेजता हूँ। तो यहाँ पर फ़ोटो भेजने के लिए आप क्लिक करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर गैलरी खुल जाती है आपकी। तो यहाँ पर ये गैलरी इस तरीके से आपकी ओपन हो जाती है और गैलरी जैसे ही आपकी ओपन हो जाती है तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मान लीजिए ये फ़ोटो आप ऐसे भेजते हैं, ऐसे फ़ोटो आपने ये मान लीजिए फ़ोटो यहाँ पर सेंड कर दी, तो ऐसे फ़ोटो सेंड कर दी तो इसकी क्वालिटी जो है इस तरीके से डाउन हो जाती है दोस्तों। जब दूसरे के पास जाती है तो इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। और इसी तरीके से मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो दूसरी भेजी, तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा ये दूसरी कोई फ़ोटो भेजी तो इसकी भी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है। अब दोस्तों आप इसकी क्वालिटी अगर सही रखना चाहते हैं तो आपको कैसे फ़ोटो भेजना चाहिए वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसी तरीके से अगर आप वीडियो भेजते हैं तो भी उसकी क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है। आपको सबसे पहले सिंपल सा एक ट्रिक करना क्या है, यहाँ पर आपको इस वाले क्लिक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ना गैलरी से भेजना है ना कैमरे से भेजना है, आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स पर। डॉक्यूमेंट्स पर जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर जाने के बाद आप अपने हिसाब से चूज करेंगे, डॉक्यूमेंट्स और गैलरी पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो अपनी जो इमेज है जो आपने खींची है कैमरे से वो आपको इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको फ़ोटोज जो है वो मिल जाएंगी। तो जैसे एक ये मेरी फ़ोटोज है, यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देंगे और इसी तरीके से आपकी जो भी फ़ोटो है वो आप ऐसे ही आप सेंड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पर जाके सेंड करेंगे यहाँ पर। तो जब वो सामने वाला डाउनलोड करेगा तो उतने ही KB की वो आपको दिखाएगा, जिसे देख सकते हैं यहाँ पर आपको KB लिख के आता है। तो आप जैसे ही डाउनलोड करेगा वो का सारा कुछ उसका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स कोई भी या फिर कुछ भी आप भेजते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पर भेजना है, ना कि गैलरी से जाके फ़ोटो को नहीं भेजना। अगर गैलरी से जाके आप फ़ोटो को भेजते हैं इस तरीके से तो उसकी जो है क्वालिटी वो डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी वीडियो और फ़ोटो की क्वालिटी जो है डाउन हो जाती है। और जिस तरीके से मैंने ये डॉक्यूमेंट्स वाला बताया, इस तरीके से अगर आप भेजते हैं तो आपकी फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ फुल HD क्वालिटी में जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप जो है फुल HD क्वालिटी में फ़ोटो या वीडियो किसी के पास WhatsApp से भेज सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप सभी लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।